ये कहानी एक शेर के बच्चे की है। क्या हुआ कि एक बार एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा हो पाया था कि एक बार भेड़ों के झुंड में शेरनी ने अपने बच्चे को खो दिया। उस जंगल के सभी शेर और शेरनियां अपने बच्चे को खूब ढूंढा, पर वो नहीं मिला। अंत में सभी ने सोचा कि लगता है उसका किसी पंछी या जानवर ने शिकार कर लिया होगा। वो सभी उसके ना मिलने पर बहुत दुखी हुए, लेकिन वो शेर का बच्चा उन भेड़ों की झुंड के साथ बहुत दूर निकल गया था और भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उनकी ही तरह बोलने और खाने लगा। जब उसको उन भेड़ों की झुंड में रहते कई वर्ष बीत गए तो वो काफी हो गया था। उसका भयानक रूप देख सभी भेड़ धीरे धीरे उससे डरने लगी, लेकिन वो सारी हरकतें भेड़ों की ही तरह करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उस जंगल पर एक खूंखार शेरों के झुंड ने हमला कर दिया। सभी भेड़ वहां से इधर उधर भागने लगी, लेकिन शेरों के झुंड ने जैसे ही उन भेड़ों की झुंड में एक नौजवान शेर को देखा तो सभी रुक गए। अब कोई भी शेर आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि भले ही वो एक भेड़ों की झुंड में था, पर वो एक शेर था और शेर शेर होता।